14 फरवरी आ रहा है, क्या तैयारी है? तैयारी तो कुछ भी नहीं, आराम चीजें भाई। क्या तैयारी, सिंगल हो गए? सिंगल लोगों की क्या तैयारी हो सकती है? आप जख्मों पे नमक छिड़कने आ गए, समझ रहे ना आप? एक बंदे हमें नहीं पता आपने। हाँ बहुत ज्यादा। नहीं हमारी शादी हुई है बच्ची, क्या तैयारी होनी है? वो बहुत टफ मैच है, पिच जरा सख्त है, बहुत सख्त है, बहुत सख्त। यार मैं एनर्जेटिक बहुत हूँ, मेरे अंग अंग में करंट है भाई। 14 फरवरी ढीले पे आ जाओ। किस हिसाब से कह रहे हो, कड़े हिसाब से कह रहे हो, दो दो चीजें हैं ना 14 फरवरी में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन 14 फरवरी आ रहा है और 14 फरवरी को इस्लामाबाद और कराची के माबैन एक दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है पीएसएल में। कराची बहुत मुश्किल का शिकार है थ्रू आउट इस पीएसएल में, इसलिए 14 फरवरी बहुत अहम है कराची के लिए। वैसे 14 फरवरी को तो वैलेंटाइंस डे भी है, लेकिन हमें क्या लगे, हम तो क्रिकेट लवर्स हैं, हम लोगों से जाके पूछते हैं कि 14 फरवरी के लिए उनकी क्या तैयारियाँ हैं और क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। चलिए जी आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह करे जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं 14 फरवरी आ रहा है, क्या तैयारी है आप? तैयारी तो कुछ भी नहीं, आराम चीज़ है भाई। क्या आराम चीज़ है? नहीं करते 14 फरवरी है, वैलेंटाइंस डे नहीं। क्रिकेट आराम होती है? क्रिकेट चीटिंग करता है तू। अच्छा क्रिकेट के बारे में बात करें, 14 फरवरी हर कोई बोलते हैं वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन डे, क्रिकेट वैलेंटाइन डे भी होता है। बात हो रही है तो क्रिकेट तो 13 फरवरी को भी है, 12 फरवरी 14 फरवरी को असल में कराची और इस्लामाबाद का मैच है और कराची बहुत मुश्किल है। क्वेटा वाले हमें क्वेटा का मैच देखना है तो संडे को है 13 फरवरी। तो कराची बाहर हो अंदर हो आपको कोई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्वेटा से फर्क पड़ता है। नहीं तो वैलेंटाइन डे से इस कदर मुखालिफ क्यों है आप? नहीं यार करो तो हलाल के तरीके से करो भाई। क्या करो तो करना, रोज रोज डे, हग डे, पता नहीं कौन सा डे, किस डे, चुम्मी डे, ऐसे थोड़ी होता है। लेने देने के मामला तो लेने देने के मामला होते हैं, ये हलाल तरीके से करो, निकाह करो, मंगनी करो, ख़त्म करो, फिर बेशक जाओ वैलेंटाइन डे मनाओ जो मनाने मनाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं 14 फरवरी आ रहा है, क्या तैयारी है? किस हवाले से आप पूछ रहे हैं ये बताएं? 14 फरवरी के हवाले से पूछ रहे हैं, किस हवाले? 14 फरवरी को क्या है? 14 फरवरी को क्या है? हाँ 14 फरवरी को इस्लामाबाद और कराची का मैच है। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है मैच में। आए हाय हाय हाय, किस चीज़ में इंटरेस्ट है आप? मुझे किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं है। 14 फरवरी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है? ये अपने आप में इंटरेस्ट है बस, और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। फिर से सोच लें, 14 फरवरी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट है। सिंगल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़े चौके छक्के मारे हैं, थोड़ा क्रिकेट की तरफ खेलते ही नहीं ना। अच्छा खेलते ही नहीं? हाँ ना खेलता हूँ ना देखता हूँ। अच्छा 14 फरवरी वैसे खेलने का दिन है? मैं नहीं खेलता, मैं कुछ भी नहीं खेलता भाई। आपको खेलते ही नहीं? एक्चुअली ये मैच खेलने का नहीं, वैसे ये लोगों की जिंदगियों से खेलने का दिन है, इसलिए मैं नहीं खेलता। वेल डन, कितने आमर ले आकर ये। अस्सलाम वालेकुम। मैंने नहीं बात करनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं। 14 फरवरी आ रही है, क्या तैयारी? क्या तैयारी, सिंगल होगा? क्या सिंगल लोगों की क्या तैयारी हो सकती है? आप जख्मों पे नमक छिड़कने आ गए, समझ रहे ना आप? सिंगल डबल के साथ भी बंदा खेल सकता है 14 फरवरी को? क्या वैसे ऐसा जो हर बंदा कह रहा है मैं सिंगल हूँ सिंगल हूँ? वैलेंटाइन डे है तो पूल देने वाला भी तो कोई होना चाहिए, मैं खुद ही लेके कर लूँ। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को? वैसे हमारे ख्याल में तो 14 फरवरी को कराची और इस्लामाबाद का मैच। अच्छा पहले बता रहा था ना, आई एम बिस्ती करा दी मेरी आपने। नहीं बिस्ती नहीं हुई क्योंकि सारे ही आप ही हैं, आपस की गल है। हाँ जी अब मुझे ये बताएं, आपने घर जाके वीडियो लगा देनी है। अभी मुझे ये बताएं के इस्लामाबाद और कराची में से किसको सपोर्ट करेंगे? मैं इस्लामाबाद की, क्योंकि मेरे वहाँ पर एक साड़ी है मुझे बहुत पसंद है। 14 फरवरी आ रही है, क्या तैयारी? फिलहाल तो कोई तैयारी नहीं है यार। 2-3 दिन रह गए, कर लें तैयारियाँ? वो तो एक दिन में, वो उसी दिन एक दिन पहले ही तैयारी हो जाएगी उसकी। बड़ा हरामी हो क्या? तैयारी मतलब तैयारी क्या करनी होती है? फूल वगैरह लेने होते हैं, गिफ्ट वगैरह लेने होते हैं, वो उसी टाइम मौके पर ले लेते हैं। वैसे 14 फरवरी को क्या है, फूल क्यों ले रहे? यार 14 फरवरी का सबको पता है कि क्या होता है। हमें तो ये है कि इस्लामाबाद और कराची का मैच है। नहीं मैच के अलावा बहुत कुछ है, मैच तो अभी, ये तो अभी स्टार्ट हो रहा है ना मैच, तो बहुत बल्कि पहले दिन काफी दिनों से और मैच भी है। कंट्रोल वो बहुत टफ मैच है, टफ पिच जरा सख्त है, बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। अच्छा किससे मुकाबला है आपका? ये तो आपको भी पता होगा। अच्छा ओपोनेंट सख्त है? बहुत सख्त है, बहुत सख्त। चलिए अल्लाह आपको कामयाबी दे। आमीन आमीन। आप हमारा सर फखर से बुलंद करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। 14 फरवरी आ रही है, क्या तैयारी है? यार सिंगल बंदे की क्या तैयारी होंगी भाई।
सिंगल बंदा टीवी नहीं चला सकता? टीवी 14 फरवरी की तो हम वो तो कभी भी चला सकते हैं, उसका क्या है? नहीं तो मैच है ना कराची, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में, कराची इस्लामाबाद का मैच है, तो आपकी तैयारियां कोई नहीं है? नहीं वो तो तैयारी तो है फुल टाइम। फिर आपके जहन में क्या था, क्या 14 फरवरी? नहीं नहीं वो कहते हैं ना, हमें भी सुना था भाई 14 फरवरी को वो क्या यार सुना था। हाँ क्या है होता भाई 14 फरवरी मैच के क्या एक बंदे हमें नहीं पता ने? हाँ बहुत ज्यादा मैच देखेंगे जिन्हें कहते ना ढेर बड़ा ओ नून समेत नहीं ला के अमर ले आकर जितनी है ले। नहीं वो तो मैं देख रहा हूँ, वो तो तीसरी पकड़ी हुई है तो चार जाएगा, तो मेरे ख्याल में पंजवी तक भी जाएगा जैसी स्पीड पे जा रहा है। आप मुझे ये बताएं आपकी 14 फरवरी की क्या तैयारी? हमारी तो कोई तैयारी नहीं, सुकून से बैठ के मैच देखेंगे, ये बाहर के मुल्कों में सुकून से बैठ, बाहर के मुल्कों में क्या? ये जो वैलेंटाइन डे आ रहा है। नहीं 14 फरवरी को इस्लामाबाद और कराची का मैच है, बहुत मुश्किल। वही कह रहा हूँ मैच देखेंगे, आप किसी और समझ रहे हैं। समझ रहा हूँ कि बाहर के मुल्क में क्या होता है वैलेंटाइन डे, जोशो खरोश से मनाया जाता है, जबकि जोशो खरोश और आहिस्ता मनाने में क्या फ़र्क है वैलेंटाइन? ऐसा चुप करके घर में बैठो जैसे हम बैठेंगे आप तो नहीं बैठेंगे मेरे ख्याल में। नहीं तो हम खड़े होंगे, हम तो मैच देखेंगे, हम ऐसे ही लोगों से राय लेंगे, बैठ के देखेंगे, सुकून से मजे लेंगे, मजे लेने कराची के। और दुआया कि कराची के मजे। हाँ यार अभी तक कोई मैच नहीं जीती, तो 5 हो गया मेरे ख्याल में, तो आई थिंक जीत जाए। 14 फरवरी आ रहा है, क्या तैयारी है? कुछ भी तैयारी नहीं है, कुछ भी तैयारी नहीं है और ना होगी इंशाल्लाह। नहीं 14 फरवरी को इस्लामाबाद और कराची का मैच है, आप लोग मैच नहीं देखते? अच्छा हाँ नहीं मैच नहीं देखते। आहा आपके ख्याल में क्या है? नहीं हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। इस्लामी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं वैसे पीएसएल देख रहे हैं आप? नहीं मैं मैच नहीं देखती। 14 फरवरी की बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है? अच्छा मुझे ये बताएं वैसे 14 फरवरी को क्या होता है आपके ख्याल में, क्या आया था? कोई स्पेसिफिक डे है, आप क्यों पूछ रहे हैं 14 फरवरी? हम तो इसलिए पूछ रहे हैं कराची मैच ही नहीं को जीता, उसका मैच है 14 फरवरी को, हम दुआ। हाँ जी हाँ आप लाहौर की बात कर रहे हैं? कराची और इस्लामाबाद का मैच है, ठीक है, पीएसएल तो पूरे पाकिस्तान का है ना, उसमें लाहौर और कराची की तो कोई डिस्क्रिमिनेशन। कराची के साथ उसका पार्टनर कौन सा है उसका? इस्लामाबाद के साथ मैच। अच्छा तो आपकी आप किस तरफ होंगी? मैं फिर इस्लामाबाद की तरफ होंगी। एंजॉय करेंगे 14 फरवरी को जी? जी हाँ जी घर बैठ के जरूर इंशाल्लाह हम एंजॉय करेंगे। थैंक यू। 14 फरवरी आ रहा है, क्या तैयारियाँ? नहीं हमारी शादी हुई है बच्चियाँ, क्या तैयारी होनी है? शादी के बाद मैच नहीं देखने देती? फरवरी की बात करें ना, वैलेंटाइन डे की बात करें शायद आप। 14 फरवरी की अच्छा मैच के बारे में बात कर रहे हैं। 14 फरवरी को क्या होता है? वो वैलेंटाइन डे है ना मेरे ख्याल में। आपके ख्याल में है या होता है? होता है। अच्छा वैसे हमें तो नहीं पता था, हम तो बता रहे हैं कि इस्लामाबाद और कराची का मैच है 14 फरवरी। अच्छा आप अगर डबल माइंड करेगा बंदे को चीटिंग करता है तो 14 फरवरी मैच भी है और वैलेंटाइन डे भी है। यहाँ पे एक माइंड पूरा हो जाए वो बड़ी बात है, आप डबल माइंड है। ठीक है तो मैच इंशाल्लाह देखेंगे यार। किस कराची और इस्लामाबाद में किस? इस्लामाबाद को। जी जी इंशाल्लाह। वैसे 14 फरवरी को रूटीन में क्या करते हैं? उनको काम करते हैं। क्या मैं तो जॉब करता हूँ फूड पांडा पे। फूड पांडा जी। अच्छा नहीं वैसे आपको कैसे पता कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन? मनाई भी है कई बार। कैसे मनाते? कोई फूल फूल दे के फ्रेंड वगैरह हो तो जैसे कोई फ्रेंड होती है उनको फूल। अभी देख रही है? नहीं कोई बात नहीं, पता है उनको, उनको पता है फ्रेंड्स को फूल देते हैं। पहले की बात है, अब की बात नहीं है। शादी की जब वो भी मैंने पसंद की है, शुक्र अल्लाह का। शादी भी पसंद की, फूल की की। वो भाभी को भी फूल मिले हुए जी। ला एनर्जेटिक लग रहे हैं। 14 फरवरी की क्या तैयारियां? यार मैं एनर्जेटिक बहुत हूँ, मेरे अंग अंग में करंट है भाई। 14 फरवरी ढीले पे आ जाओ। किस हिसाब से कह रहे हो, कड़े हिसाब से कह रहे हो? दो दो चीजें हैं ना 14 फरवरी में। कौन सी दो चीजें आ गई? हमें तो एक नहीं मजा। जो आप सोच रहे हो वो भी ठीक है, जो मैं बताने लगा हूँ वो भी ठीक होगा। अच्छा, मैच भी है ना इस्लामाबाद और उसका लाहौर का, आई थिंक। नहीं गलत बता रहे हैं आप। और क्या? और वो यार बहन भाइयों वाला दिन भी है ना वैलेंटाइंस डे। बहन भाइयों वाला दिन? हाँ बहन भाइयों वाला फूल शूल नहीं देते यार। चंगी भली मोहब्बत उड़न लगती है तुसी उन्हें। भैन भाइयों मोहब्बत कौन कौन कहता है ये मोहब्बत है? ये अन्य वाह है प्यार है। प्यार प्यार से पहले बटसता है, शादी के बाद वही बुटी वही मियाँ बीवी एक दूसरे को जहर। तू कभी पैके जाना मैंने दस तू, वो जा ही नहीं रही होती यार। शादी से पहले फूल शूल देते हैं ये दूसरे एक दूसरे को पटाने का,
ख्यालात होते हैं भाई। जिस नादिन आपने जानी लोगों की राय कि उनकी 14 फरवरी को किस तरह की तैयारियां हैं और वो 14 फरवरी को किस तरह से ले रहे हैं, आपकी क्या तैयारियां हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए बागी टीवी।